अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं आरिफ राजा चैनल। अगर आपके मोबाइल में जैज़ इंटरनेट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा तो इसका ये मतलब है कि आपके मोबाइल में जैज़ 4G इंटरनेट सेटिंग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना है। इस वीडियो में हम जैज़ मोबाइलिंग 4G इंटरनेट सेटिंग के हवाले से बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड 500 KB 1 MB तक है तो इसका मतलब ये है कि आपके सेट में इंटरनेट सेटिंग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड है। मज़ीद पंगा लेने की ज़रूरत नहीं, आपके एरिया में इंटरनेट का मसला हो सकता है। अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लें। जैज़ इंटरनेट सेटिंग आप 4 तरीकों से कर सकते हैं। एक, कोड के ज़रिए, दूसरे नंबर पर SMS के ज़रिए, फिर कॉल सेंटर पर कॉल करके, फिर मैनुअल सेटिंग के ज़रिए। एक एक करके चारों तरीकों से सेटिंग का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोड के ज़रिए आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये अच्छा तरीका है क्योंकि जैज़ के पास तकरीबन हर सेट की सेटिंग मौजूद होती है। बजरिया कोड सेटिंग इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन से *443# मैं रिपीट करता हूँ *443# डायल करें। इसके बाद आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ आपने माय अकाउंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए 6 लिखकर सेंड कर देना है। इसके बाद ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ आपने इंटरनेट सेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए 4 लिखकर सेंड कर देना है। इसके बाद आपको इंटरनेट सेटिंग वसूल होगी। आपने मोबाइल फ़ोन में वसूल होने वाली सेटिंग को ओपन कर लेना है। बाकी सारी सेटिंग ऑटो होंगी। इस सेटिंग के मैसेज में आखिर में कंफर्मेशन की सेटिंग होगी। इस पर आपने क्लिक करके फुल इंस्टॉल वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी सेटिंग मुकम्मल सेव हो जाएगी। अब दूसरा तरीका यह है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज में जाकर GPRS यानी GPRS लिखकर 7342 पर सेंड करना है। यानी मैसेज में आपने GPRS लिखकर 7342 यानी 7342 पर सेंड करना है। कुछ देर के बाद आपको सेटिंग वसूल होंगी। ऊपर जो तरीकाकार मैंने बताया है, जो सेटिंग वसूल होने के बाद आपने उसी तरीकाकार के मुताबिक इसको सेव कर लेना है। इस तरह आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑटो इंस्टॉल हो जाएगी। अब तीसरा तरीका ये है कि आपने कॉल सेंटर पर कॉल करनी है और नुमाइंदे से बात करके इंटरनेट सेटिंग मंगवा लेनी है। सेटिंग वसूल होने पर आपने मोबाइल में जो इंटरनेट सेटिंग है वो सेव कर लेनी है। अब चौथा तरीका मैनुअल सेटिंग का है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट सेटिंग ऑटो इंस्टॉल या रिसीव नहीं हो रही तो आपको ये सेटिंग मैनुअल इंस्टॉल करना होगी। मैनुअल इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन से सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने जब सेटिंग ओपन होगी तो इसके बाद आपने नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली ऑप्शन जब ओपन होगी, इसके बाद मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। इसके बाद जो सेटिंग का मेन्यू ओपन होगा, यहाँ आपने नीचे एक्सेस पॉइंट नेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो इस सेटिंग के ऊपर प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो नई प्रोफाइल बनाने के लिए एंट्री वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सेटिंग में आपने कुछ एंट्रियाँ करनी है। तो सबसे पहले आपका यूज़र नेम आता है। यूज़र नेम में आप जैज़ लिख दें या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ये नेम ही होता है। इसके नीचे APN में स्मॉल लेटर में, नीचे आपको APN की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इसमें स्मॉल लेटर में जैज़ कनेक्ट जे स्मॉल लेटर में JAZZCONNECT.mobilelink.com लिख दें। इसके नीचे आपने बाकी किसी ऑप्शन पर नहीं छेड़ना। नीचे आपने ऑथेंटिकेशन टाइप वाली ऑप्शन पर आना है तो यहाँ नन कर देना है। APN टाइप, इसके नीचे जो APN टाइप है इसमें स्मॉल लेटर में DEFAULT.SUPL यानी DEFAULT.SUPL लिख देना है। तो इसके नीचे APN प्रोटोकॉल आपने IPv4 IPv6 कर देना है। इसके नीचे APN रोमिंग प्रोटोकॉल को आपने IPv4 कर देना है।
तो नीचे जो बैरियर है इनको आपने बैरियर जो है ये जो ऑप्शन है इसको अनस्पेसिफाइड कर देना है। इसके नीचे आपने किसी के साथ नहीं छेड़ना, यही सेटिंग करके आपने टॉप वाले जो आपको तीन डॉट्स नज़र आ रहे होंगे इस पर क्लिक करके आपने सेटिंग को सेव कर लेना है। और सेटिंग के बाद आपने पेज पर मौजूद जो आपकी प्रोफाइल बनी होगी वो सामने आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक करके यानी उसको सेलेक्ट करके आपने अपनी सेट को रीस्टार्ट कर देना है। इस तरह आपकी सेटिंग मैनुअल इंस्टॉल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।